कलेक्टर साहब से एक चर्चा और हुई है कि जो हमारी विधायक निधि है 1,80,00,000 लगभग, तो वो अभी आई है, तो मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा की है कि ये पूरी राशि जनता की सेवा में लगा दी जाए, जनता के इलाज के लिए लगा दी जाए, जो भी जरूरत हो, जहाँ भी जरूरत हो आप वो पैसा खर्च कर सकते हैं जनता जनार्दन के लिए। मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा की है, मैंने उनसे बता दिया है कि आप जब भी जैसा बोले मैं लेटर लिख के दे दूंगी। सम्माननीय हमारे कोरोना के जो प्रभारी मंत्री जी हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनसे मैंने चर्चा की है कि जो बड़े बड़े कस्बा हैं जैसे खड़ेरी है, सीतानगर है, पथरिया है, और जहाँ जहाँ पे छात्रावास हैं, जहाँ कॉलेज हैं, उतने कोविड सेंटर बनाए जाएं और पूरी सुविधाएं उस कोविड सेंटर में दी जाएं। समस्त सुविधाएं, जो भी सुविधाएं रहती हैं अस्पतालों में, जहाँ भी कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं उसे सारी सुविधाएं दी जाएं। और समस्त जनता जनार्दन से निवेदन है कि ये महामारी जो लौटी है बहुत दयनीय है, पहले जैसी नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है। तो सबसे एक निवेदन है हमारा कि सब लोग इससे बच के रहें, सावधान रहें, जैसे लॉकडाउन लग गया है तो इसका पूरा पालन करें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। दूसरी बात, अगर किसी को सर्दी बुखार खांसी कुछ भी है तो तुरंत डॉक्टर से आप इस चर्चा कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि हम ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है तो आप घर में ही रह के उसका इलाज कर सकते हैं डॉक्टर के अनुसार। और ज़्यादा अगर लग रहा है कि मुझे घर में नहीं रहना है तो जो कोविड सेंटर बने हैं उधर जाके आप एडमिट हो सकते हैं। सभी से एक निवेदन है, मेरी सबसे चर्चा हो गई है कि ये कोविड सेंटर बड़े बड़े कस्बों में बनाए जाएं, और वो प्रयास भी कर रहे हैं, समस्त प्रशासन प्रयास कर रहा है। ये बात अलग है कि ना ऑक्सीजन पूजाई जा रही है अस्पतालों में, ना जे इंजेक्शन में पूजे मिल रहे हैं मरीजों के लिए। बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है कि ऑक्सीजन से लेके इंजेक्शनों से लेके कुछ भी चीज़ उपलब्ध नहीं हो रही है जितनी ज़रूरत है। पर प्रयास प्रशासन भी कर रहा है, सरकार कर रही है, हम सब मिलकर कर रहे हैं प्रयास कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की मदद हो सके, पूरी दवाइयाँ उपलब्ध हो सकें, इंजेक्शन रेमडी वाले जो हैं वो भी इंजेक्शन भी उपलब्ध हो सकें, पूरा प्रयास कर रहे हैं हम। आप सभी से एक निवेदन और है कि जो भी पार्टी के नेता हैं आज इस महामारी में कोई भी अपनी राजनीति ना दिखाएं, सबको मिलकर एकजुटता के साथ जनता के हित के लिए कर काम करने चाहिए। ये महामारी बहुत खराब फैली हुई है, सभी नेताओं से निवेदन है कि राजनीति ना करके मानवता और इंसानियत पे उतरें।